महाराष्ट्र सरकार के लर्निंग आउटकम्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मिशन लिट के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है तथा एक्सेंचर द्वारा संचालित है। शुरू करने से पहले आइए समझें कि लर्निंग आउटकम्स और मिशन लिट का मतलब आखिर है क्या। लर्निंग आउटकम्स दो शब्दों का संगम है, लर्निंग अथवा सीखना और आउटकम्स या परिणाम। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे पहले जाने मतलब नो, फिर समझे यानी अंडरस्टैंड, और परिणाम स्वरूप करे डू। यानी प्रक्रिया हुई जाने, फिर समझे और समझने के बाद करे। कुछ भी जानने के लिए या चेतना में प्रकट होने के लिए हमारे पास तीन मुख्य माध्यम होते हैं। पहला है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, जांच इंक्वायरी या जानकारी यानी इंफॉर्मेशन। समझने के लिए पहले अर्थ जानना आवश्यक है। इसका मतलब है कि हम किसी भी विषय को पहले समझें, फिर अपने आप को समझा सकें और उसके बाद दूसरों को भी जो हमने समझा उसको समझाने और उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो जाए। जो सीखा और समझा उसे कार्यान्वित करने के लिए वास्तव में व्यवहार में लाना होता है। तो आप जान सकते हैं तथ्य, सिद्धांत, कानून इत्यादि इत्यादि, समझ सकते हैं सवालों को और समस्याओं का समाधान, लेकिन करने के लिए जो आपने सीखा उसे व्यावहारिक स्थितियों में लागू करना जरूरी है। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। आपने जाना कि दुनिया गोल है और फिर समझा कि समय रेखा क्या होती है। परिणाम स्वरूप अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा कि जब भारत जागता है तो अमेरिका क्यों सोता है। मिशन लिट कार्यक्रम के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स RMSA द्वारा शुरू किया गया है। RMSA का मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से मार्च 2009 में शुरू किया गया था। एक्सेंचर इस कार्यक्रम का संचालन करता है। एक्सेंचर प्रबंध परामर्श, टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दुनिया की अग्रणी संगठनों में से एक है। एक्सेंचर 56 देशों के 200 शहरों में 2,80,000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा यह संभव करता है। 2013 में एक्सेंचर का शुद्ध राजस्व लगभग 1,77,000 करोड़ रुपए है। इस संदर्भ में याद रहे कि भारत की मौजूदा निर्धनता रेखा के अनुसार हमारी 127 करोड़ जनसंख्या में से 30% यानी लगभग 40 करोड़ भारतीय इन 1,77,000 करोड़ रुपए से 2 महीने तक अपना पालन पोषण कर सकते हैं। कॉर्पोरेट जगत के अलावा एक्सेंचर विभिन्न देशों की सरकारों को विश्व स्तरीय कौशल और क्षमताओं का निर्माण करने में सहायता करता है। एक्सेंचर अपना समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बांटकर ज्ञान पूंजी के विकास में सहयोग करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्र है। मिशन लिट यह मानता और पहचानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर इंसान
शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि विचारों और नवाचारों ने हमेशा शिक्षा को समृद्ध किया है। विचारों और नवाचारों के बिना मानवता प्रगति नहीं कर पाती। अपने आप को प्रबुद्ध करने के लिए हमें रोशनी यानी प्रकाश की जरूरत होती है। आधुनिक समय में प्रकाश का सबसे अच्छा उदाहरण सरल और नर्म बल्ब है। अंधकार में एक शून्य या जीरो वॉट का बल्ब भी बहुत सहायक सिद्ध होता है और हमें देखने और कार्य करने की शक्ति के लिए पर्याप्त है। मिशन लिट अपने चिन्ह अथवा लोगों में इन सभी चार तत्वों को जोड़ता है। बल्ब यानी प्रकाश, लर्निंग यानी सीखना, टीचिंग यानी शिक्षण, और नवीनता यानी नयापन। मिशन क्यों? मिशन का मतलब है जन समुदाय को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम, और लर्निंग आउटकम्स इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मिशन लिट का मानना है कि विचारों और नवाचारों द्वारा शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के मन को उपयुक्त ईंधन दिया जा सकता है। यह तभी संभव है जब हम शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नई विधियां, तकनीक और टेक्नोलॉजी को अपने खुले मन से प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हम अपने संपर्क विवरण आप सबको देंगे। आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ संपर्क में रहें। हमारे ईमेल, जीमेल के अलावा हमारी मौजूदगी फेसबुक पर भी है। हमारे फेसबुक पृष्ठ पर जाकर अपना लाइक रजिस्टर करें। इससे हम आप जैसे अधिक से अधिक शिक्षकों तक पहुंच सकते हैं। इस संक्षिप्त परिचय के साथ अब हम मुख्य कार्यक्रम शुरू करेंगे। सरल प्रार्थना और सरल भाव मन में लाने के लिए असतो मा सद्गमया से सरल आदर्श और उत्तम प्रार्थना क्या होगी? मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हे ईश्वर, मुझे कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाएं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं। एक घटना याद आ रही है। एक बच्चा बड़े ध्यान से एक पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक का शीर्षक था बच्चों का सही लालन पालन कैसे करें। किसी व्यक्ति ने देखा तो उससे पूछ बैठा कि भाई तुम यह पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो, यह तो तुम्हारे माता पिता को पढ़नी चाहिए। बच्चे ने उत्तर दिया, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा लालन पालन ठीक से हो रहा है अथवा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम लर्निंग आउटकम्स। धन्यवाद।